जमीर बात सुन जाए। देखा हमारा इंतखाब, इतना खूबसूरत कार्ड सिलेक्ट किया है तुम्हारी शादी का। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यस सर। लीजा, एड्रेस इस टाइप हो? बस कंप्लीट है सर। अच्छा, तो ये कार्ड और लिफाफे मैं तुम्हारे पास दोपहर तक भेज दूँ, मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। थैंक यू लीजा। तनवीर, तुम्हारी सेक्रेटरी लीजा भी खूब, ऐसी खूबसूरत लड़कियां कम ही देखने में आती हैं। अच्छा, कम ही नजर आती। बच्चों, नजमा को पता चल गया तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी और मुझे भी लाहौर से निकलवा देगी। ये तो ठीक है प्यारे। यार तनवीर, मैं किसी वक्त ये भूल जाता हूँ कि मैं एक अदद जोरू का गुलाम हूँ। इसीलिए सेहतमंद मजाक उड़ाते हो मेरा। कोई बात नहीं प्यारे, चंद दिनों तक तुम भी जोरू के गुलाम हो जाओ, उसका घूंघट उठाओगे, बस फिर सारी दुनिया को भूल जाओ। सारी दुनिया को भूलने का इंतजार तुम्हें बहुत दिन। मैं यतीम खाने गई थी बच्चों को कपड़े, वहां से ये बच्ची मुझे बहुत प्यारी थी, मैं इसे साथ ले आई। बड़ी जहीन बच्ची, यतीम हो गई बेचारी, पता नहीं इसका बाप कौन है। माँ जिंदा है? जी हाँ, यतीम है बेचारी, बाप मर चुका है। वैसे बच्ची बहुत प्यारी है, आपको पसंद आई? हाँ, मुझे पसंद आई। वैसे देखो, ये कुदरत की कितनी सितम जरीफी है, इतने जहीन बच्चे माँ बाप की शक्कत से महरूम होकर यतीम खाने में पड़ते। अब तुम इस बच्ची को अपने से जुदा नहीं होने दोगे? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें इसकी माँ हो। बच्चा तो अपना ही होना चाहिए सीमी, एक माँ ही अपने बच्चे को सच्चा प्यार दे सकती। लेकिन किसी यतीम के सर पे हाथ रखते हैं भी तो बहुत नेकी का काम है। आप कराची किस सिलसिले में तशरीफ ले गए थे? कारोबारी सिलसिले। किस होटल में ठहरे थे? इंटरकॉन्टिनेंट। कितने दिनों के लिए गए? मैं गया तो तकरीबन दो दिन के लिए था, लेकिन मेरे दोस्त अरशद के टेलीफोन करने पर सीमा को कत्ल कर दिया गया है, मैं पहली फ्लाइट से यहां पहुंच गया। क्या आप किसी पर यह शक कर सकते हैं कि वो आपकी बीवी का कातिल हो सकता है? कत्ल के सिलसिले में तो मैं किसी पर शक नहीं। मिस्टर तनवीर, हमें आपसे गहरी हमदर्दी है। एक तो आपकी बीवी कत्ल हो गई, दूसरे उसकी लाश भी मुर्दा खाने से गायब हो गई। कातिल पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार होने में कामयाब हो गया। सिगरेट? थैंक यू। आप भी क्रेवेने पीते हैं? मैं भी क्रेवेने पीता हूं, और अजीब इत्तफाक है कि वो नकली दाढ़ी वाला आदमी भी क्रेवेने पीता है। जी हाँ, और मेरा ख्याल है कि वो नकली दाढ़ी वाला होटल इंटरनेशनल के कमरा नंबर 201 में ठहरा था। क्या आपको पक्का यकीन है कि कातिल वहीं ठहरा था? जी हाँ, और आज सुबह ही होटल छोड़कर चला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी तारीफ? ये मेरी सेक्रेटरी है लीजा। क्या कराची के सफर में ये भी आपके साथ थी? जी। क्या कारोबारी सिलसिले में सेक्रेटरी का साथ होना जरूरी नहीं? बाज़ औक़ात ये मेरे साथ ही जाती है, लेकिन एक दफा मुझे तन्हाई जाना पड़ा। होटल इंटर कॉन्टिनेंटल कराची, कितने नंबर कमरे में ठहरे थे आप? कि वो मैं 501 में। अच्छा मिस्टर तनवीर, अब मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू। यकीन कीजिए, जब तक कातिल कानून की गिरफ्त में नहीं आ जाएगा, पुलिस इत्मीनान से नहीं बैठेगी। ओके।